हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप गाइस सब मस्त होंगे। सो गाइस, आज है ट्यूसडे एंड काफ़ी दिन हो गए थे गाइस मैं व्लॉग नहीं बना पा रहा था, तो मैंने सोचा आज व्लॉग बनाते हैं एंड दिखाते हैं आपको। क्योंकि गाइस, मैंने आपको बताया था जैसे कि लास्ट व्लॉग में कि मैंने जिम ज्वाइन कर ली है, तो अभी बस वहीं। सो गाइस, अभी कर लेते हैं नाश्ता एंड काफ़ी देर हो गई गाइस, आज काफ़ी लेट से उठा था ना मैं, तो चलिए गाइस कर लेते हैं। एंड मुझे खाना थी रोटी बट यार आज ऑलरेडी पहले से ही पराठे बन गए थे, तो चलो खा लेते हैं एंड फिर मिलते हैं आपसे। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो गाइस, अभी ना मतलब मैं जैसे ही नाश्ता करके उठा तो वैसे ही गाइस मैंने देखा मिट्टू ने अपने मतलब पिंजड़े से बाहर निकल पड़ा और काफ़ी मतलब मज़े कर रहा है बाहर। ये तो ये देखिएगा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यार कि चप्पल काट रहा है ये मम्मी की, एंड पता नहीं कैसे निकल गया ये, बट काफ़ी मज़े ले रहा है ये। एंड इसके बाद जाऊँ तो इसको पैर पकड़ रहा है गाइस। ये देखिएगा, इस चप्पल को पकड़ के रह गया है एंड ये देखिएगा, इस बर्तनों में जा रहा है। गाइस, इसको ना इस प्लेट में दे दिया कुछ खाने के, तो आराम से मस्त बैठ के खा रहा है। अंदर जाने का तो इसका मन ही नहीं हो रहा, इसके पास जाओ तो काफ़ी बोल रहा है। एंड मतलब इसकी एक खासियत है गाइस, मतलब जैसे कि जैसे गेट बजते हैं ना, जैसे बाहर कोई आता है तो ये पूछता है कि कौन है कौन है। एंड ये पता हम लोगों ने मतलब सिखाया भी नहीं मैंने, बट ये अपने ऑटोमेटिकली सीख गया। क्योंकि जब भी कोई आता था तो जैसे कि नॉर्मली निकलता है ना कि कौन आया है, तो ये उससे सीख गया कि कौन है कौन है। जैसे ही आप कुंडी बजाओ ना तो ये बोलता है कौन है कौन है। सो गाइस, अभी काफ़ी टाइम हो गया है तो इसको कर देते हैं अंदर। एंड देखिएगा गाइस कितना होशियार है कि अपने आप मैंने पिंजड़ा रखा और अपने आप अंदर चला गया। सो गाइस, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो गाइस, अभी इवनिंग के 6 बज रहे हैं, तो बस एक घंटे बाद मैं जिम जाऊंगा, तो फिर खा लेते हैं पीनट बटर एंड ब्राउन ब्रेड। सो गाइस, चलिए खाते हैं फिर चलेंगे गाइस थोड़ी देर में जिम। सो गाइस, अभी चलते हैं वर्कआउट करने जिम। सो ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो गाइस, फाइनली जिम में आ गए हैं, तो अभी चालू करते हैं वर्कआउट। एंड अभी मैं सोच रहा हूँ आज नीचे ही करूँगा कुछ लैग वैग म्यूजिक। सो गाइस, फाइनली वर्कआउट इज डन, तो अभी चलते हैं घर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।